हमारे मेरे को इसके हरबंस सिंह सर मिले थे, ये जब प्ले राकेश भी की दिल्ली में कर रहे थे तो मैं गया था देखा। आफ्टर द प्ले आई वेंट टू हिम एंड सेड सर मेरे को अभी क्लासेस ज्वाइन करनी है। उन्होंने बोला ओके ये मेरा कार्ड है आ जाना। आई स्टार्टेड सिमल्टेनियसली व्हेन आई वेंट टू मुंबई उन्होंने मेरी क्लासेस शुरू करी। पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गया मेरे को ये मसाज प्ले करना। उन्होंने कहा ट्राई करते हैं। 24 कैरेक्टर्स मैं वॉइसेस निकाल रहा हूँ 24 लोगों की। जैसे मैं किसी स्टूडियो में गया, आप प्ले देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि मैं 24 आवाज़ें निकाल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपना ही रोल कर रहा हूँ और दूसरे का भी रोल ही कर रहा हूँ। हाँ जी, जब आपने सुना कि इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हैं क्या रिएक्शन था और आप सपोर्ट भी कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अमेज थी। मैं पृथ्वी में थी, मैं ऐसे ही प्ले देखने गई थी और फिर इनसे ऐसे ही जस्ट इन पासिंग इन NCPA वी वर वॉचिंग अनदर प्ले, आई जस्ट मेट देम इन पासिंग हिज फादर एंड हिम। मेरे हाथ में कुछ घुसाया और फिर मैंने उसको देखा और उसने बताया कि ये 2 घंटे का सोलो करने वाला है। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। I mean just for that I salute him, even the you know to attempt something like this. And then I understood you know about the background and sir was involved and you know who all were involved and that he took 8 months off school. I mean to stop everything and take a year off and dedicate your life to some craft is something else. So I mean you have to go back to school. Yeah. And but I just came to support that. Nowadays children are really exploring themselves. But the thing is, you can do both. You know, children are changing the world, but you can do everything. You see, I think that that's important, that you have to encourage children to really find themselves, but not give up anything. Learn how to balance things in life. Okay. कैसे time आप निकाल रहे हो? School भी आप जा रहे हो और ये भी आप कर रहे हो? मैं पूरे साल स्कूल ही नहीं गया ऐसे तो। हाँ जी, तो फर्स्ट के 3 मंथ्स मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देखता रहता था DID लिटिल मास्टर्स और डायलॉग्स लर्न करता था, दूसरों को मिमिक्री करता था। बट कुछ ऐसे मैंने बताया कि मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा मिमिक्री करना छोड़ दे, अपने खुद के डायलॉग्स बना, अपने खुद का कुछ बना और वो पेश कर। पूरा अभी दिखाऊंगा नहीं। मैजिकल वंडर किट के डैड ज़्यादा मैजिकल हैं। आइए भाई साहब इधर आइए। ये जो हैं ये सारी इनकी करामात हैं, ये इनके सबूत हैं। मगर जो किया है इन्होंने किया है, जब ये शुरू में जब बात हुई थी इनसे केतन से, जब ऐसी चीज़ इसने बोली मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया यार। बट जब बताया उसने कि होम स्कूलिंग चल रही है, स्कूलिंग छूटी नहीं है और ये इसका बहुत पैशन है और 1 साल ये सिर्फ करवाना चाहता है, उसके बाद वापस स्कूल जाएगा, तो आई फुली सपोर्ट हिम। ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी या देखी किसी डैड ने इतना सपोर्ट किया अपने बच्चे को एक चीज़ के लिए स्कूल से बाहर आके मगर फिर भी स्कूलिंग जारी रख के। सो इट्स अ बिग थिंग दैट इट्स अ बिग स्टेप फॉर बोथ ऑफ देम। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। एंड ये तो बचपन का दोस्त है तो ये तो अपना ही बच्चा है। वो बच्चा ही और कभी आपको बचपन की याद आती है उस टाइम? यार मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, गलती से आ गया तो मुझे यार मैं कभी लाइक आई सेड बिफोर 10 टाइम्स मैंने थिएटर किया नहीं है, तो मैं स्कूलिंग या कॉलेज में कभी एक्टिंग से मेरा कोई इतना नाता नहीं था। जब धीरे धीरे करके बम्बई आए और मॉडलिंग से ग्रेजुएट होके थोड़ी एक्टिंग में गए तब जाके वो पैशन बना और काम करते रहे और काम सीखते रहे और आज तक सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। आने वाले समय में हम आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको देख पाएंगे? सर अभी तो एक शॉर्ट फिल्म की है शहीद भगत सिंह पे और एक फिल्म आ रही है इन्हीं की मॉम के साथ लेले जी के साथ Aksar 2 आनंद महादेवन डायरेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट वर्किंग ऑन दैट, जस्ट फिनिश दैट, इट्स कम्प्लीटेड, वी स्टार्टेड द डबिंग फॉर दैट। सो ये 2 चीज़ें जल्दी दिख जाएंगी आपको, मतलब मई से अगस्त के बीच में ये चीज़ें दिख जानी चाहिए आपको। वेल मेरा सोलो अभी चालू है थिएटर में, मैं बहुत काम कर रही हूँ। 9 Paths of Desire इज हैपनिंग नाउ अप्रैल में जून में बॉम्बे में। आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म शहजर उसका नाम है, ऑपोजिट सुनील कुमार पलवाल हु इज जस्ट सीन इन मुगले आजम। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। Thank you so much for bath getting here. Wish you all the best. Everyone watch the play. Our outcome especially. We are just looking forward. Namaskar, namaskar, namaskar.
आदर सत्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। अब प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिताजी ने बताया था कि बेटा जब भी बड़े बूढ़े या मेहमान सामने बैठे हों तब उन्हें प्रणाम कर देना चाहिए। ये बात और है कि मैं खुद भी काफी बड़ा हो चुका हूँ। अब बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन बड़ा तो हो चुका हूँ। पर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तब एक छोटा सा बच्चा याद आता है जो एक दिन सड़क पर चला जा रहा था, जिसने हवा में एयरफोर्स का जहाज उड़ते हुए देखा। बस उस दिन तय कर लिया कि बड़ा होके एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो 26 जनवरी की परेड देख ली। आर्मी के जवानों ने राष्ट्रपति का सैल्यूट मारा जेट ढका। उस दिन फाइनल कि बड़ा होके आर्मी का जवान ही बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सुनील गावस्कर साहब ने चौका मारा चक कितना दफा रन। उस दिन फाइनल कि बड़ा होके देश के लिए क्रिकेटर ही खेलूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पता चला कि इनमें से किसी के भी काबिल नहीं हूं। फिर किसी ने बताया कि भाई चेहरा बड़ा प्यारा है, देखने में भी ठीक ठाक हो, स्माइल भी बड़ी प्यारी है, दूर से देखो तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते हो, खाली हाइट बॉडी और आवाज में ही तो मार खाते हो, एक्टर बन सकते हो, तो भाई फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। आइडिया अच्छा लगा, हिंदुस्तान के हर नौजवान को ये आइडिया सूट करता है, मुझे भी सूट किया। बस उठाया बोरिया बिस्तरा और पहुंच गया सीधा महानगरी मुंबई। आते ही एक स्टूडियो में गया तो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मैंने किसी से पूछा, भाई साहब ये यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका नाम क्या है? अरे तुम नाम के बात करते हो, अभी तक स्टोरी फाइनल नहीं हुई है, वो तो हीरो की डेट मिल गई इसने मुहूर्त कर लिया, शूटिंग तो अभी 2.5 साल के बाद है। फिर किसी ने बताया कि वहां पीछे कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर कूली साहब का दफ्तर है, उनकी कोई नई फिल्म शुरू हुई है, वहां जाके ट्राई करो, थोड़ी स्ट्रगल करो। भाई साहब इस लाइन में आए हैं तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। मैं पहुंच गया कोहली साहब के दफ्तर पे।